तो अभी हम रविंद्रनाथ दास जी के साथ हैं, जिनकी पेंटिंग्स में हम साक्षात देख सकते हैं कि काफ़ी बंगाल कल्चर को आपने इसमें दिखाया है, क्योंकि मैं यहाँ पर दुर्गा माँ की एक छोटी सी स्मृति देख सकती हूँ, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें, एक छोटा सा मंदिर देख सकती हूँ। तो आप अपनी आर्ट के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं बहुत छोटे से ये काम कर रहा हूँ, जो बचपन से ही पेंटिंग कर रहा हूँ, छोटे बच्चा जैसे करता है ये कलर लेके। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ और पेंटिंग चेंज किया हूँ, बहुत सारे पेंटिंग सब्जेक्ट चेंज किया हूँ। मैं बंगाली हूँ, इसीलिए मैं बंगाल बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं दुर्गा माँ की पेंटिंग करता है। वो बहुत बारी उसके अलावा बहुत बच्चे खेलते हैं, ऐसे भी करते हैं। ये मेरा पेंटिंग है। इसके अलावा मैं ये देख सकती हूँ कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा जो है, उसके तीन कलर्स का बड़ा अच्छा आपने यूज़ किया है यहाँ पर, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, राइट, सैफ्रन, वाइट एंड ग्रीन का आपने काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया है। तो इसके पीछे कोई वजह? इसके पीछे वजह वो, मैं तो इंडियन हूँ, इसीलिए मैं मेरा इच्छा भी इंडियन है जैसा है। और ये गुफा में जो गुफा का कलर कुछ ऑरेंज कुछ ये है, हो सकता है, हो रहा है, इसीलिए ऐसे वो ग्रीन हुआ है, वो बारिश पड़ के ऐसे किया है। तो आप बचपन से इस मतलब पेंटिंग कर रहे हैं, बचपन से आपका ये है, तो ऐसी कोई इंसिडेंट हुई आपकी लाइफ में जिससे आपने आप समझ पाए कि नहीं, मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे सिर्फ पेंटिंग ही करनी है? हाँ, मेरा भाई अभी पेंटिंग करता है, उससे ही मैं सीखा है, छोटा से ये पेंटिंग देख रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता कि ये बहुत अच्छा काम है ये, इसीलिए मैं पेंटिंग में गया हूँ। तो बेसिकली ये कैनवस आपने यूज़ किया है, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि ये आपने कुछ डिफरेंट चीज़ यूज़ की है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा बताया, मतलब ये कुछ डिफरेंट सा ये भी कैनवस है, कैनवस के ऊपर मैं एक पेपर चिपकाया हूँ, वो हैंडमेड पेपर है। हाँ। लेकिन वो बेसिकली प्लेन हैंडमेड है, वो नेपाली हैंडमेड है, उसके ऊपर मैं मिक्स मीडिया में काम करता हूँ, ओनली नॉट फॉर एक्रिलिक, मिक्स मीडिया है, स्ट्रक्चर वाइट वगैरह यूज़ किया है। इसके बाद बेसिकली आपने यहाँ पर काफ़ी स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हैं। बहुत स्ट्रक्चर यूज़ किया है। तो इसके पीछे कोई आपका? नहीं, पेंटिंग करते करते ये अपने से ही आ जाता है, ये पेंटिंग क्या चाहता है ऐसे ही बनाता हूँ, पेंटिंग जो चाहता है ऐसे ही बनाता हूँ। थैंक यू सो मच रविंद्रनाथ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी पेंटिंग्स रियली बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं, और मुझे सीरियसली इनमें जो ट्राई कलर है वो बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।